हाय स्टूडेंट, डीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं आउटवर्ड सप्लाई के बारे में कि कैसे हम लोग सेल का एंट्री पास करते समय क्वेश्चन को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्या इसके लिए स्टेप है, वह स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। देखो, मैंने पिछले क्लास में वाउचर क्रिएट करना और ऑटो जीएसटी सेट करना बताया था, और आज उसी वाउचर का इस्तेमाल करके हम लोग सेल का एंट्री पास करेंगे। तो देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वह दिया क्या है। तो देखो, आज का मेन जो हमारा टॉपिक है वह है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो देखो, बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है। और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब आज का पहला टॉपिक है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। मतलब जब भी कोई पूछे आउटवर्ड सप्लाई होता क्या है तो समझ जाना वह सेल के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। और इंट्रा का मतलब उन्हें बताया था कि जब अपने इलाके में खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है, सप्लाई। तो और वहां पे जो टैक्स लागू होता है, क्या लागू होता है? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, सीजीएसटी और मतलब सीएसटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। सेम है, बहुत इजी है, बस पर्चे एंट्री जो पास किया सही से वो सेल का भी एंट्री पास कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर गोरखपुर बाई इनवाइस नंबर B2B 001। ध्यान देना, मतलब इस बार 2 अप्रैल को हम गुड्स बेच रहे हैं, और वो भी किसको बेच रहे हैं? एसएस कंप्यूटर को। उनका एड्रेस है गोरखपुर और इनवाइस नंबर देखो दिया गया है B2B 001। अब बताओ, ये B2B 001 आया है वह कौन सा नंबर है जो हमने ऑटोमेटिक सेव किया? तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया, ठीक है, लेकिन यह हम खरीद तो नहीं रहे कि हम चाहेंगे देख के, यह सेल कर रहे हैं। तो जब भी पहला एंट्री पास करें तो लिंक क्या है? B2B 2022। तो इसमें तो केवल B2B 2021 आया है, मतलब उसमें इसमें सफिक्स तो नहीं दिया गया, लेकिन मैंने एक बार पाया तो सफिक्स भी दिया था। तो मेरे बिल में जो नंबर आएगा वो आएगा B2B 2021, ठीक है, -2022, ठीक है। मतलब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आएगा। कैसे आएगा? चलिए एक एक करके स्टेप बाई स्टेप देखेंगे, समझेंगे। अब देखो, क्वेश्चन बताया जा रहा क्या क्या हम बेच रहे हैं। तो देखो, लिखा गया ना सोल फॉलोइंग गुड, तो यहाँ पे क्या है? बीजी बेच रहे हैं, बीजी का सॉफ्टवेयर, ठीक है, 2 पीसेस, उसका रेट दिया है, जीएसटी दिया है, ठीक है। हवाई का फोन बेच रहे हैं, आईफोन बेच रहे हैं, लेनोवो, ठीक है, हेडफोन बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे, सारा मेंशन किया गया है, क्या रेट है मेंशन किया गया है। तो आप बताओ कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग वाला स्टॉक है, मतलब वही पुराना जो पिछले साल का बंदा था जो ओपनिंग वाला आया था, पहले सबसे उसी को बेचना मैंने स्टार्ट किया है। देख लो, यह पहले से बना है, तुम्हारे भी बना होगा और हमारे भी पहले से बना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और यह बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि सबसे सब पे 18-18% जीएसटी है, लेकिन हाँ, लेकिन हम पहले से जीएसटी भर चुके हैं, ठीक है, भरने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन रिपोर्ट करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, टैली को ओपन करते हैं। तो
अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वाउचर में आ गया है और यही पे हमको दबाना है या फिर ठीक है, मतलब जैसे ही आप फिर बटन दबाएंगे सेल वाउचर ओपन होगा और यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, सेल उसके बाद सेल्स बी टू बी और सेल्स बी टू सी। तो आप बताओ क्या लेना हमको, सेल बी टू बी क्यों लेना है? क्योंकि ये रजिस्टर डीलर है ठीक है, और इसीलिए हम सेल बी टू बी ले रहे हैं ठीक है। वहां पर क्वेश्चन समझ समझना कि लिखा गया बी टू बी तो बी टू बी में रिपोर्ट करेंगे, क्यों मैं जानता हूँ जिसको सेल कर रहा हूँ वो मेरा रजिस्टर डीलर है। कैसे जानता हूँ? क्योंकि उनका जीएसटी नंबर है ठीक है, इसीलिए मैं बी टू बी वहां पर क्वेश्चन में लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन आप डिसाइड करना जिस कस्टमर को बेच रहे हो ठीक है, चाहे बिजनेस मैन हो चाहे नॉर्मल कंज्यूमर हो, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है तो बी टू बी लेना, नहीं हुआ है तो बी टू सी लेना। क्लियर है? तो चलो इसका हुआ है तो ले लिया बी टू बी। अब अगर लोकल है या इंटर स्टेट का, तो आप अगर गोरखपुर के हैं तो यहाँ पे ले लेंगे क्या लोकल, इंटर दबाएंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएंगे। अब पूछा जाएगा पार्टी नेम, लेकिन इससे पहले मोड चेंज कर लेते हैं क्योंकि देखो ये मोड अलग है ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन दिख रहा है आपको, कंट्रोल एच करोगे और ले लोगे क्या आइटम इनवाइस, और यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। और देखिए एक्चुअल बिल वाला भी ऑप्शन आ रहा है, इसका भी कोई यूज नहीं है इस समय। तो ये लेबल बटन दबा के और इसको भी हम थोड़ा बंद कर देते हैं ठीक है। अब पार्टी नेम पूछा जा रहा है, तो पार्टी नेम किसको बेच रहे हैं? तो ऐसे कंप्यूटर, तो पहले से हमने बना के रखा है और आप लोग बना के रखे होंगे, ऐसे कंप्यूटर लेंगे ठीक है बाबू। और इनका डिटेल पूरा देखो दिख रहा है, बस इंटर दबाएंगे। अब नेम ऑफ आइटम, कौन कौन सा आइटम हम बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं इनको, तो देखो पहला है बीजी, तो बनाना नहीं पड़ेगा, बीजी यहाँ पे आ गया ठीक है। इंटर स्पेस दबाएंगे, हाँ ध्यान देना। अब ये भी सोचोगे सर उसमें तो गोडाउन दिख रहा था कि स्टोर वेयर हाउस शॉप, इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखेगा क्यों? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। अब तुम देख लो शॉप से बेच रहे हो या वेयर हाउस से बेच रहे हो, तो समझे तो मेरे पास क्या पड़ा है, शॉप में चार पीस पड़ा हुआ है तो वही से बेचेंगे, गोडाउन पड़ा है तो गोडाउन से बेचेंगे ठीक है। गोडाउन से क्यों मंगवाते हैं, जब शॉप में नहीं होता है तो गोडाउन से मंगवा के फिर से सेल करते हैं, बोलो। तो यहाँ पे लेंगे सौ, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं देगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना पीस बेच रहे हैं, दो पीस बेच रहे हैं ठीक। देखो यहाँ पे कौन रेट आ रहा है, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और दूसरा क्यों आ रहा है रेट, तो आपसे भी दूसरा रेट आ रहा परेशान मत होना ठीक है। रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में वो अमाउंट भरते हैं जितना पहले से जीएसटी ऐड है, और रेट में वो अमाउंट भरते हैं जिसको जीएसटी बाद में लगाना है, इसीलिए रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे फ्यूचर में। इसका टॉपिक दिया है, आ जाएंगे फिर से रेट में, मतलब रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में कोई अमाउंट मत भरना गलत हो जाएगा। अब लिखना है 10,500 ठीक है बाबू। अब यहाँ पे आने वाला इंटर, और नेक्स्ट सेकेंड आइटम क्या है, कितना पीस, एक पीस, रेट क्या है 12,500। थर्ड आइटम आईफोन, ये भी बना दो पीस पड़ा हुआ है, वेयर हाउस से बेचे, हम सेल करेंगे तो कभी चढ़ा देंगे। तो आप दिया है जहां रहेगा वही तो बेचेंगे, क्वेश्चन में कहीं नहीं देगा, अगर आप तो बेचोगे तो तुम नहीं जानते हो क्या बेच रहे हो, क्वेश्चन में क्यों देगा। पहले शॉप से ही बेच, पहले देखो कुछ सामान हमने शॉप में रख लेते हैं ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता है गोडाउन में रख लेते हैं, जब शॉप से कमी होगी तो फिर वेयर हाउस से मंगवाएंगे, गोडाउन से मंगवाएंगे, बेचेंगे, क्वेश्चन में नहीं रहेगा, खुद तुम कुछ मार रहे हो, इसीलिए रखे गए तुमको क्वेश्चन में मत समझना कि जैसे पर्चे बताए यहाँ पे स्टोर हुआ नहीं, आप कहाँ से बेचो तुमको नहीं पता जहाँ काम कर रहे हो। अब कहाँ पे दिक्कत हो, पहले
चलो चलो पूछ लो, पहले एक एक करो, पूछ ले दो ना। तो देखो तुम्हें तो समझा दो, गलत उन्होंने एंट्री किया है, परचेज किया है, तो जहां पर रखा है वहीं से बेचेंगे, समझे? तो अगर उन्होंने हाउस शॉप पे दुकान रखा है, सुन लो मेरी बात कर रहा, पूरा सुन लो तो मेरी अपने बात बताना, ठीक है? मैंने वेयर हाउस शॉप पे दोनों जगह रखा है, दो पीस शॉप पे रखा, दो पीस वेयर हाउस में बेचा है, तो फिर शॉप वाला बिल दीजिए, कमी पड़ेगा तो वेयर हाउस में बेचिएगा, समझे? तो आपकी कॉमन सेंस की बात है वहां पे, तो पहले शॉप वाला बिल ऊपर वेयर हाउस वाला बेचेंगे, ठीक है? कमी पड़ेगा तो फिर तो मंगवाएंगे, उसका कुछ ना पूछो। करवाए तो जी हमने इस समय मालूम नहीं है, खोजना पड़ेगा पीछे कहना। कहाँ पीछे कैसे खोजोगे? कस्टमर आएगा कहेगा मुझे कीबोर्ड भी चाहिए डेल का, तो सर्च करके बताएगा डेल का कितना कीबोर्ड है मेरे पास में शॉप में, वही वही जानना था। इस पे थोड़ा दबा रहे तो बता रहा शॉप पे कितना वेयर हाउस में कितना दिख नहीं रहा है। लो ध्यान यहाँ पर नहीं है तुम लोग का, ठीक है? यहाँ पे जब लोकेशन आ रहा है सब नहीं दिख कुछ दिख रहा है, बस यही नहीं दिख रहा। हाँ तो रहा ठीक है, तो ठीक दिख है, देखते रहो तो हम आगे बढ़ते, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोकेशन सर्च करेंगे, ठीक है, अपडेट भरेंगे, अरे हो गया बस, समझ गया, जानते हैं तो हम लोग मत भूलिया करो, और जो समझ में आ गया दूसरा तुम दिमांग लगा रहे हो, ठीक है? 2500, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2500, ठीक है? उसके बाद से नीचे आएंगे, फिर तगड़ा लेंगे, उसी समय बता रहा हूँ मैं, शुरू में ही बताया था, लेंगे स्प्रे दबाएंगे, स्प्रे दबाते ही पता चलेगा शॉप में 1 पीस है और 1 पीस है, तो शॉप पे अच्छा तो है नहीं कि मेरा माइनस में आ जाएगा, शॉप में शॉप से ही बेचेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे कितना है और है मेरे पास कितना, 1 पीस लेनवो का कौन सा आइटम है लेनवो? अच्छा ये हम दूसरा लिए हैं आइटम, लेनवो K6 नोट है, ठीक है? अब यहाँ बताएगा 4 पीस है, 3 पीस बेच रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टॉक ले लिया, 3 क्वांटिटी रेट 8800। और नेक्स्ट लास्ट, ठीक है, हमारी सुपर बेस 5 पीस मेरे पास पड़ा हुआ है, किस लोकेशन में कहाँ पे, शॉप में 5 पीस, क्वांटिटी कितना पीस बेच रहे हैं, 3 पीस बेच रहे हैं, अरे 1500 बस। आगे देखो मैं, आप जीएसटी सर नीचे देखिए, 1,43,252 दिख रहा है, तो ऐसे वालों जीएसटी को लगाना नहीं, जीएसटी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आ जाएगा। और राउंडर क्यों नहीं आया बोलो? जी क्योंकि दसवों में अमाउंट आया नहीं, इसीलिए राउंडअप नहीं आया, अगर दसवों में रहता तो राउंडअप भी बताता कितना राउंडअप है, ठीक है? बस ऐसे वो सेव कर लेंगे, अपने आप बिल नंबर भी देखो जनरेट हो गया, B2B 001 2002, कस्टमर हमारा जाएगा चढ़ाएगा, बोलो ये बिल दे देंगे तो मेरा इनवॉइस नंबर यही होगा, वो जाएगा तो परचेज के बिल में यही चढ़ाएगा, जिस हम लोग चढ़ा देते, ठीक है, GST 007 GST 555, तो वही हम तेरा कस्टमर वो नहीं चाहेगा तो हमने बिल पे चढ़ाएगा परचेज वाले पे कि B2B 10 001 10 2022, ठीक है ना? तो यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा, तो देखो यहाँ भी देखो नंबर दिखा रहा है B2B 001 2022, और दूसरा जैसे मैं आप एंट्री सेव करेंगे, देखो अपने आप यहाँ पे इसको नोट करेंगे, अपने आप आ गया B2B 002, ऐसे बनाते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा। तभी पहला क्वेश्चन किया हम तो एक आ गया यहाँ से, ठीक है बाबू? और कोई क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन एक एक करके पूछा करो, देखिए एक को दिक्कत होती है सब हाँ हाँ करने लगते हैं, एक को बताने दो दूसरे को बताएंगे, लेकिन हमें यह गुस्सा नहीं लगता है कि क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, गुस्सा यह लगता है कि जो पूछ रहे हो उससे पहले बता लेते दो, फिर दूसरा कोई खड़ा होगा पूछेगा, ठीक
ठीक है, चार लोग एक साथ पूछो तो कैसे जवाब देंगे, किसी का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है चलिए आते हैं, और अगला टॉपिक है क्या, टेकिंग टैक्स एनालिसिस। ठीक है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्यों है समझो। जैसे देखो बताया जा रहा है, टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अमाउंट, ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग मोर डिटेल। ठीक है, एटीसी बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सुधार थोड़ा कर लीजिए आप। क्या यार क्या कर, कई बार हम दे चुके हैं सुधार करने के लिए, दे दिए। यहाँ मोर डिटेल है। अल्ट प्लस ए और डिटेल के लिए अल्ट प्लस ए अपवर, मतलब ये दोनों का आंसर है, दोनों गलती। अल्ट ए और अल्ट प्लस ए अपवर, जहां कंट्रोल आई है वहां अल्ट ए कर दो, और जहां पर अल्ट प्लस या फाइव पे वहां पर अल्ट प्लस या फोन कर दो। हो गया बाबू, देखिए ऑप्शन क्यों दिया है, क्या इसका मतलब समझो। देखो बताया जा रहा है टैक्स चेकिंग टैक्स, मतलब आप सेल करते समय ध्यान दो, सेल करते समय अगर आपका कस्टमर वहां पे पूछ देता है कि सर जो जो मैं आइटम खरीद रहा हूँ थोड़ा बता दो हमको, इस पे कितना कितना परसेंट टैक्स लागू हो रहा है, कितना कितना परसेंट टैक्स लागू हो रहा है, मतलब इस पे 18 है, इस पे 12 है, इस पे 28 है, ये आपको बता दो, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है, उसको अल्टर मोड में ओपन करना होता है। कंट्रोल इंटर, फिर से कंट्रोल इंटर, ग्रुप पे जाके कंट्रोल इंटर, सिलेक्ट करके तब पता कर पाएंगे 18% है कि 12% है कि 28%। लेकिन अगर सेल करते समय आप चेक करना चाहते हो कि उस प्रोडक्ट पे जो मैं एंट्री पास किया है कितना कितना परसेंट टैक्स है, तो आप क्या करोगे, पोर्टल को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद से आप ए दबाओगे, जैसे आप उसको दबाओगे तो आपका टैक्स एनालिसिस ओपन होगा, और हर एक के साथ ईयरफोन बटन दबाओगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा और बताएगा कि साइकिल में कितना परसेंट है, टैक्स अमाउंट क्या है, सारा एडिट करके शो होने लगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं टैक्स एनालिसिस का। ठीक है ना, मतलब सेल करते समय उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो कि कितना कितना परसेंट टैक्स चार्ज हो रहा है, तो एक बार में पता किया जा सकता है, अरे कॉलेज जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मैंने अभी एंट्री पास किया है ना अभी, चलो मैं पेजर बटन लगा देता हूँ, और मेरा कस्टमर का मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कितना परसेंट टैक्स है सब पे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना आइटम बताया था 18 18 18, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं रियल में है कि नहीं है, बस यही बताऊंगा ऑडिट के साथ के। लेकिन यहाँ पे ओपन हो जाएगा टैक्स, जीएसटी टैक्स एनालिसिस आया, और देखो यहाँ पे टैक्स अमाउंट बता दिया, टोटल 21852 है, कितना है, 21852 है, लेकिन कितना कितना किस पे है, ठीक है ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऑडिट के साथ एफ1 बटन दबा देंगे। देखो बता दिया कि सेंट्रल टैक्स 9% अमाउंट है 1890, स्टेट टैक्स फिर से सेंट्रल टैक्स देखो 9 9 9% दिख रहा है, आ गया। तो यह ऐसे हम लोग आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं टैक्स एनालिसिस, मतलब टैक्स एनालिसिस जीएसटी टैक्स एनालिसिस का मतलब यही है कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है, हो जाएगा चेक कर लोगे, चाहे आप कोई भी एंट्री पास करते हो बस अल्ट ए अल्ट एफ वन। हो जाएगा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया है। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एज ऑन
2nd अप्रैल 2021 सोल्ड 1 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाय कैश, ठीक है 22,000। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है इनवाइस नंबर B2C 001। मतलब देखो इस बार जो सैमसंग गैलेक्सी मेरे पास फोन था वो मैंने बेच दिया नगर, किसको बेच दिया, नगर बेच दिया है, कितने रुपए में, 22,000 में। आप बताओ मेरा फोन, मतलब फोन का दुकान है और आप मेरे पास आओगे और एक फोन खरीद लीजिए, नगद खरीद लीजिए, ठीक है, और आपने अपना GST नंबर और भी नहीं दिया तो उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, बी टू सी में। तो आपको तो आप कैसे जाने कि ये बी टू सी का है, तो हम वहां पे एक्टिविटी देखे हैं कि क्या हो रहा है। बोले एक आम कंज्यूमर था, नगद 22,000 में एक फोन खरीद लिया था, कोई तो GST नंबर नहीं दिया था, इसीलिए इसको किस में रिकॉर्ड करने वाले हैं, बी टू सी में। बोलो आप क्वेश्चन याद पढ़ के आप तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते हो, उसके लेजर को खोल के देखना पड़ेगा, या उस पार्टी से जब ट्रांजेक्शन करते हो तो हमेशा पता चलता है कि कौन बिजनेसमैन है और किसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, किसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मुझे लगता है जितने दुकानदार हैं पटवाना में, अगर कहीं आम एक कंज्यूमर आता है खरीदने के लिए तो सबको किस में रिकॉर्ड करते हैं, बी टू सी में। आम आम रजिस्टर में निकल जाता पटवाना में खरीदने के लिए, तो कभी कभी तो जाओ किसी दुकान पे ना, ठीक है, तो आपका जब जाओगे खरीदोगे तो आपको अनरजिस्टर्ड मान के और बी टू सी में रिपोर्ट कर दे, भले आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। हाँ बहुत जरूरी होगा, ज्यादा का सामान खरीद तो कहेगा थोड़ा सा अपना जीएसटी नंबर है क्या, दे दो, ठीक है, और नहीं तो तरीका अपनाए, ठीक है, छोटा छोटा सेल कर देगा, आपसे दिखा देगा 1 लाख रुपए का बिल काट के दे देगा, जब तुम चले जाओगे तो भी ट्रांजेक्शन छोटा छोटा कर देगा, 1 लाख का खरीदे तो 10 बिल बना देगा 10-10 हजार का, जितने आगे चल के दिक्कत नहीं होगी उसी डेट में, ठीक है। अब मोदी जी भी नहीं पूछेंगे किससे से बेचे हो, रामू से, मोहन से, सुरेश से कि रमेश से, ठीक है, तो दिन भर में तक दुकान पर कस्टमर तो 100-150 आते हैं, तो बुक में लिखते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या दिखाते हैं, कैश सेल समझे ना। आज जिसको उधार बेचे तो उसका तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो पैसा आगे फ्यूचर में लोगे, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं, और बहुत सिंपल तरीका है, टैली में आते हैं और वाउचर में आते हैं और अल्ट के साथ नहीं, या फिर क्यों दबाएंगे और बैक इस पे दबाएंगे और लेंगे क्या, फिर तो सुन लो आप, या ए बटन दबाओगे, बी टू बी में काम तो पहले से कर रहे हैं इसीलिए बी टू बी पहले से सिलेक्टेड है, तो बैक इस पे दबाएंगे और सब तीनों वाउचर आ जाएगा और लेंगे क्या, सेल्स बी टू सी। अब लोकल या इंटरेस्टेड, तो लोकल ही है, ठीक है, पार्टी नेम तो ले लिया हमने कैश, ठीक है ना, और कैश लेंगे तो कैश क्या माना जाएगा, अनरजिस्टर्ड, देखो यहाँ लिख के आया है अनरजिस्टर्ड, समझे, तो इसीलिए और इंटर बटन दबाएंगे, न्यू आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 पीस मेरे पास पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 2 पीस शॉप में पड़ा हुआ है, 2 पीस वेयर पड़ा हुआ है, तभी किससे बेच रहे हैं, शॉप से ही बेच रहे हैं, वन रेट क्या है, तो 22,000 में बेच रहे हैं, बस सेंटर टैक्स है, टैक्स टैक्स अपने आप आ गए, आया 25,960, बस एंट्री करो एक्सेप्ट कर लो, ये हमारा तरीका है। अब देखो ये बी टू सी यहाँ पे आया, और देखो अब आ गया B2C 002, क्योंकि एक क्वेश्चन कर दिया है, अब तो यार दूसरा क्वेश्चन करिए, अभी हमको करना नहीं है, हमको तो कुछ रिपोर्ट चेक करने, अगला है रिपोर्ट चेकिंग। अब रिपोर्ट चेकिंग का क्या मतलब है, मतलब अब हम जीएसटी का रिपोर्ट चेक करने वाले हैं, क्योंकि आप बताओ सेल बी टू बी और सेल बी टू सी वाउचर क्यों क्रिएट किए हैं, क्योंकि रिपोर्ट देने में आगे चल के दिक्कत हमको ना हो, मेरे चाहते तो सारा रिपोर्ट किसमें बना लेते, सेल वाउचर भी बना लेते, कल मैंने पढ़ाया था आपको, तो वही जीएसटी का रिपोर्ट चेक करने वाले हैं, देखो लिखा गया GSTR1, तो जीएसटी का फुल फॉर्म तो हमको बताइए पहले से क्या होता है, जी गुड्स एंड सर्विसेज, आर का मतलब होता है रिटर्न, आर का मतलब होता है रिटर्न, वन का मतलब होता है फॉर्म 1, मतलब जीएसटी में जो रिटर्न वो भरते हैं उसके फॉर्म बहुत सारे हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, 4, 9A, 3B, बहुत सारे फॉर्म के नेम है,
तो जो हम आज के बारे में जानने वाले हैं वो जीएसटी या वन के बारे में जानने वाले हैं। हाँ बोलिए भाई, कितने क्या है हीरो वन का? हीरो वन का जी हाँ, हीरो वन का बारे में जानने वाले हैं सर। हीरो का 20 पॉइंट सर, और प्लैटिना का 11 पॉइंट सर। समझा हो गए कभी वो भी क्या है सर? हीरो वन का चलिए, तो इसको चेक करने के लिए क्या बताया जा रहा है समझो। तो जीएसटी आर वन है, तो जीएसटी आर वन में ही हमारा सेल का रिपोर्ट दिखता है। किसका रिपोर्ट दिखता है? सेल का, मतलब अभी तक कितने लाख रुपए का माल हमने बेचा है और कितना टैक्स हमने लिया है, कितना टैक्स हमने रिसीव किया है। अगर यह चेक करना चाहते हो तो आर वन में आना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न आर आर वन में आना होगा, ठीक है? जिससे पता चलेगा कि हमने बेचते समय कितना टैक्स रिसीव किया है, किससे कस्टमर से। बेचते समय कितना टैक्स रिसीव किया है यह पता चलेगा कहाँ पे, जीएसटी आर वन में, ठीक है? चले जाओ। अर्थ हेलो, आप बताइए बेचते समय कितना टैक्स लिया है वो हम कहाँ पता करेंगे? टैक्स लायबिलिटी कितना है किस महीने का, मतलब गवर्नमेंट को हमको टैक्स कितना पे करना है, ठीक है? ये हम चेक करना चाहते हैं, इसके लिए सिर्फ रिपोर्ट चेक करना है आपको। तो जीएसटी आर वन में तो बताया जा रहा है होता है, होता है, इसीलिए था इस रिपोर्ट को देखने के लिए कराना जाना होगा, ठीक है? मतलब जो भी सेल का रिपोर्ट होता है और बी टू सी जो हमने अभी किया है, जो बी टू सी हमने जो किया है, जीएसटी रिपोर्ट में पहले से कालम बना होता है बी टू बी या बी टू सी का, ठीक है? तो वही रिपोर्ट चेक करना हो उसके लिए तो कहाँ जाना होगा? और वही टैक्स अमाउंट जो लिया है वही हमारे दरबार में टैक्स लायबिलिटीज कहा जाएगा, ठीक है? वही पैसा हमको महीने में पे करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है? तो चलिए इसको चेक करने के लिए कहाँ कहाँ जाना होगा यहाँ पे देखो, बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है कि गेटवे टैली में जाएगा, जीएसटी रिपोर्ट में जाएगा, जीएसटी आर ओ में, या बिल बना दवाई शोध टेक्सटाइल इन सेपरेट कॉलम को यस कर दीजिए। हाँ ध्यान देना है यहाँ पे भी एक ऑप्शन छूटा है, लिख लो गेटअप टैली के बाद से लिखना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, गेटअप टैली के बाद वही पे कॉलम एरो बना लो, गेटअप टैली के बाद से जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, तब जीएसटी रिपोर्ट, तब जीएसटी आर वन, तब F12, तब तो सही है तब। हाँ इसका शॉर्टकट लिख लो DDO, डायरेक्टली चले जाओ। हाँ पहले तो इसका शॉर्टकट किया था डॉ DOG, लेकिन अब कम हो गया है, अब लिखा गया बस DO, मतलब DO दबा दोगे ना जीएसटी रिपोर्ट में चले जाओ। हाँ इतना प्रोसेस नहीं करना होगा, जैसे गेट ऑफ टैली लिखवाया हो ना, गेट ऑफ टैली में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, जीएसटी रिपोर्ट में जाइए, जीएसटी आर ओ में जाइए, अगर केवल 3 दिन का बाद तो हम चले जाओ, एक शॉर्टकट ठीक है। चलिए आते हैं और देखते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे देखो गेट ऑफ टैली में मैं हूं, मैं उसके बाद जाऊंगा कहाँ पे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, फिर यहाँ पे आऊंगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के बाद से जीएसटी रिपोर्ट में, अब इधर तो जीएसटी आर वन, जीएसटी आर टू, जीएसटी थ्री भी ऐसे कौन से फार्म होते हैं, तो आप इनके सेल का रिपोर्ट किसमें दिखेगा? जीएसटी आर वन में, तो जीएसटी आर वन हमने क्लिक किया, और क्लिक करने बाद से अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे और F2 करके डेट चेंज कर लेंगे 1 अप्रैल से लेके जून में, ये क्वेश्चन किया है क्या हमने हर डे अप टू 1 अप्रैल से लेके और जून तक पूरा चेक कर।
देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बोलो। अभी मैं देखो या फ्यूल बटन दबाता हूँ, ठीक है। सो टेक्स्ट टैग इन सेपरेट कर लो, हम इसको क्या कर दें, एयर डिटेल कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब यह शो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, यह समझो पहले। तो देखो हमने बी टू बी कितना क्वेश्चन किया अभी तक, ए। तो देखो लिखा है बी टू बी इनवाइस से, कितना लिखा है वाउचर काउंट वन, कितने का टोटल खर्चा हमने, टैक्सेबल अमाउंट 1,21,400, और टैक्स कितना लिया है 10,926, 10,926 टोटल लिया है 21,852, टोटल इनवाइस कितना हुआ 1,45,252, समझे। अभी मैं बी टू सी एक क्वेश्चन किया हूँ ना, तो देखो बी टू सी स्मार्ट, अब यहाँ पे लिखा है बी टू सी लार्ज, ये कहोगे सर यह क्या है, तो बी टू सी इस्तेमाल में वो अमाउंट दिखता है, वो ट्रांजेक्शन दिखता है जो हाई लॉस से कम, अब बी टू सी लार्ज में वो अमाउंट दिखता है, ठीक है, वो बी टू सी ट्रांजेक्शन दिखता है जिसका अमाउंट हाई लॉस से ज्यादा, ठीक है, तो 22,000 ही है उससे कम, इसीलिए लिखा है बी टू सी इस्तेमाल इनवाइस से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में किया हूँ और 22,000 का बेचा हूँ, टैक्स लिया हूँ सेंट्रल टैक्स 1,980, 1,980 टोटल लिया हूँ 39,000, नहीं 39,060 रुपये, दिख रहा आप लोग को, तो इतना मैंने टैक्स टोटल कलेक्ट किया है नीचे देखो। तो देखो टोटल टैक्स अमाउंट कितना बताया जा रहा है, कि 25,812 रुपये हमने लिया है बेचते समय, बोलो इतना ही, यही पैसा हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी, यही पैसा हमको देना है। लेकिन ध्यान देने वाली एक और तुम पढ़ाया था कि अभी तुरंत डिसाइड नहीं करेंगे कितना देना है, ये तो हमने देख लिया कितना लिया है, अब चेक करेंगे कितना दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है दो क्वेश्चन दिया तो 25,000 लिया है, और मैं लगभग 20-21 क्वेश्चन किए हो, कितना पैसा दिए हो, तो मेरा ही पैसा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको जीएसटी आरटू में जाना होगा, मतलब परचेज का रिपोर्ट देखने के लिए कहा जाते हैं जीएसटी आरटू, मतलब यही तो कहा था हमने, परचेज करते समय जो सप्लायर को टैक्स देते हैं हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, नहीं बताओगे, परचेज करते समय जो टैक्स अमाउंट हम गवर्नमेंट को देते हैं, मतलब अपने सप्लायर को देते हैं, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो पैसा हमारा जीएसटी आरटू में दिखेगा, मतलब परचेज में जो भी जीएसटी का रिपोर्ट है ना वो जीएसटी आरटू में दिखेगा। देखो मैं जीएसटी आर टू में आता हूँ और तो से दबाता हूँ और 1 अप्रैल से लेके, और मैं सर्च करता हूँ डेट, डेट गलती होगा तो भी नहीं आएगा। देखो मैंने टोटल आईटीसी मेरा कलेक्ट है 1,04,777.86 रुपये, इतना मैं दे चुका हूँ, मतलब मैं 11 क्वेश्चन किया हूँ अभी तक और तुम 21 क्वेश्चन किए हो, तो मैं 11 किया हूँ तो लगभग 1,00,000 रुपया मैंने दिया है, और आप लोग तो लगभग 21 क्वेश्चन किए होंगे तो समझ लो 2 लाख ऊपर ही टैक्स दिए होंगे, समझे ना। कि तो महीने में हमने दिया कितना है, 1,40,000, मतलब 1,04,776 रुपये, ₹86, और हमने लिया कितना है 25,852 रुपये, तो आप लोग इस महीने में देना होगा कितना होगा, लेके तो नहीं केवल बताया था, हर महीने कुछ होता है, ठीक है, पर इस महीने में 1 रुपये गवर्नमेंट तो नहीं देगी, बताएंगे इस दौरान इस महीने में दिया था 1,00,000 रुपया, लिया था 25, अभी 75,000 तो मेरा ही है, अगले महीने मजबूत करेंगे फिर से, लेकिन जीएसटी को हमको पोर्टल पे बताना पड़ता था ऑनलाइन पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल, तो मैंने रिपोर्ट चेक कर लिया, अब कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और दबाएंगे कंट्रोल प्लस यही को चेक कर लेंगे, 1,40,777, ठीक है, 86 पैसा माइनस 25,852 रुपया इंटर, तो लगभग 78,925 रुपया 86 पैसा मेरा ही है गवर्नमेंट के ऊपर, समझे ना, इतना पैसा आईटीसी हमारे इस महीने में दे दूंगा, मतलब माइनस करने के बाद भी 78,000 मेरा बचा रहेगा, समझे ना। अब मान लो अगले महीने फिर हमने क्या किया, ठीक है, हमने ले लिया कितना, तो मान लो हमने 1,00,000 रुपया ले लिया, ठीक है, 1,00,000 रुपया ले लिया, और उस महीने में ज्यादा नहीं दिया है, हमने रियल में बस दिया कितना है, ठीक है, 10,000, तो आप बताओ 10,000 रियल और 78,925 रुपया 86 पैसा माइनस 1,00,000 रुपया हमने लिया है, बोलो इतना ही ना, तभी आप यहाँ पे आ जाएंगे।
माइनस में आ रहा है कितना, 11,74, मतलब 11,074 का गवर्नमेंट को हमको इस महीने में पे करना होगा, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं, इतना पैसा ही गवर्नमेंट को देना हो। मतलब दोनों का समझाया, मतलब पिछले महीने में चेक किया तो मेरे को 70,000 निकल रहा, फिर अगले महीने में 1,00,000 नहीं किया, तो दिया उसके बाद 1,00,000 एक पैसा हमको देना हो, लेकिन इस महीने देना हो, इस महीने में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा हो गया, समझे ना, मेरा पैसा ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि दे रहा हूँ 88 हो जाएगा, बोलो, और मैंने 1,00,000 ले लिया तो मेरे पैसा ज्यादा दिया है ना, अकाउंट दिया है, इसीलिए क्या होगा, इतना पैसा हमको देना होगा। ठीक, जो पिछले मंथ का आईटीसी जो बचा था अगले महीने के आईटीसी से ऐड हो जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, अब फिर से उस मंथ के टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट होता है, ऐसे रूल होता है, ऐसे फेस करते हैं। कास्ते कोई पूछेगा कि सेल का रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट चेक करना है तो कहाँ जाएंगे, क्या बताओगे? GSTR1, और GSTR1 में क्या आपको पता चलेगा, टोटल हमने कितना सेल किया है और टैक्स हमने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया है। तो मुझे परचेज का जीएसटी रिपोर्ट चेक करना है तो कहाँ जाएंगे, तो कहा GSTR2 में, और GSTR2 से क्या पता चलेगा कितना हमने आईटीसी प्राप्त किया है, मतलब कितना खरीदते समय हमने टैक्स दिया है, समझे? तो ये दोनों रिपोर्ट आप बता सकते हो, यही रिपोर्ट देखिए हम अपना रिपोर्ट हम दे चुके हैं, और जो हमसे पैसा वो रिपोर्ट अपना दे चुका है, वो रिपोर्ट पे जाकर मैच हो जाता है और आपको बताता है कितना पैसा आपको देना है या आपका कितना पैसा एक्स्ट्रा चल रहा है। पर हम अपना सेल का रिपोर्ट देंगे, और जिससे खरीदे हुए अपना सेल का रिपोर्ट देगा, तो मेरा परचेज वाला तो दे दिया और मैंने अपना सेल वाला दे दिया, टोटल तो मैच करने लगेगा, और दोनों का मैच करने लगेगा तो उसका आईटीसी मिलेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो वो आईटीसी नहीं मिलेगा। इतना ध्यान, तो मान लो आपसे माल खरीदे और आप आईटीसी गवर्नमेंट को दिए, मतलब टैक्स दिए, तो मेरा डाटा गवर्नमेंट के पोर्टल पर शो नहीं होगा, तो उस समय आप जिम्मेदार हो कि उनसे खरीदे अच्छे बंदे से जो टैक्स नहीं जमा कर रहा, ठीक है, तो मेरा नुकसान होता है। ये तो मान लो मैं 70,000 दे दिया आईटीसी है मेरा, लेकिन वो 70,000 दिया नहीं गवर्नमेंट, पर हम टैक्स देंगे, गवर्नमेंट जब आएगा तो उसे देखेंगे, नोटिफिकेशन भेजेगा तब देखेंगे, तो महीने जब अपना रिटर्न भरने जाएंगे ना तो मेरे 70,000 का डाटा मिलकर नहीं करेगा, क्यों? तो मेरा नुकसान हो जाता है, देना पड़ता है, गवर्नमेंट का काम नहीं जानते हैं, जिससे खरीदे उससे बोलो कि वो अपना रिपोर्ट दे, देखिए आप जैसे अपना रिपोर्ट दो, ठीक है, मैं आपका रिपोर्ट मैच कराऊंगा और आपका जो खरीदे उससे मैच कराऊंगा, नहीं मैच करेगा तो जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी उतना पूरा दो, उससे मतलब नहीं कितना किसको दिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट से मतलब, ठीक है, मैं अपना जो खरीदा हूँ, ठीक है, तो जिससे खरीदा हूँ वो दिखा रिपोर्ट कब मेरा मैच करेगा, ठीक है, अगर नहीं देगा तो मैच नहीं करेगा, तो मेरा 1,00,000 टैक्स लाइबिलिटी है और 10,000 दिया हूँ, ऐसा नहीं 90,000 देना होगा, 1,00,000 का 1,00,000 दे रहा हूँ, तो 1,00,000 दिया और 10,000 हुआ, 1,10,000 दे दिया, 10,000 का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए सबसे लोग नहीं खरीदते, बड़े बड़े पार्टी है किसी स्पेशल से खरीदते हैं, इन 1 रुपये सस्ता मिल जाएगा उसे खरीद लेंगे, अब पता चला उसका जीएसटी रिटर्न हुआ ही नहीं, ठीक है, तो आगे चलते नुकसान हो जाता ज्यादा, इसीलिए हमेशा पार्टी को चेंज नहीं करते, ठीक है, पार्टिकुलर एक किसी पर्सन से खरीदते हैं जो जीएसटी डीलर हो और हमेशा टाइम टू टाइम टैक्स जमा करता रहे, ठीक है, तो 2 रुपये फायदे के चलते आगे नुकसान हो जाता है, हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे ना। चलिए आज के लिए इतना ही।